गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम करेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 8, इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशंस। वैसे ये चैप्टर वैसे इकोनॉमिक पार्ट के लिए है, बट यहाँ पे इसको ज्योग्राफी के अंदर दिया हुआ है। ओके, तो देखते हैं इस चैप्टर के अंदर और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वन बाय वन। यहाँ पे आपको एक डेटा दिया हुआ है। वैसे डेटा में ऐसा कुछ ऐसे में आंसर नहीं है, हम पहले इसके नीचे का जो पार्ट है उसको करते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ दिया हुआ है कि अ टेबल रिगार्डिंग द ओनरशिप ऑफ वेरियस सेक्टर इन बोथ द कंट्रीज लाइक ब्राज़ील फिल्स द डिटेल्स रिगार्डिंग इंडिया एंड द कंप्लीट द टेबल। यहाँ पे देखिए कुछ सेक्टर दिया हुआ है, यहाँ पे इंडिया में डैश किया हुआ है। फाइन, तो यहाँ पे मेंशन किया है कि कौन कौन से सेक्टर यहाँ पे है, प्राइवेट एंड पब्लिक बोथ, यहाँ पे इंडिया में कौन कौन सा है। और उसी के साथ यहाँ पे आप लोग के लिए एक कंसेप्ट दिया हुआ है करने के लिए, जो दिख रहा है आपको ये वाला, टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। तो यहाँ पे देखिए आएगा टर्शरी। बी कीपिंग क्या होता है, प्राइमरी में आता है। कोर रोप मेकिंग प्राइमरी में आता है। जैगरी मेकिंग प्राइमरी में आता है। प्रोड्यूसिंग ब्लेड सेकेंडरी में आता है। कंस्ट्रक्शन सेकेंडरी में आता है। एक्सट्रैक्टिंग आयरन ओर सेकेंडरी में आता है। ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन सेकेंडरी के लिए है। राइस प्रोडक्शन प्राइमरी के लिए। टीचिंग टर्शरी के लिए है। देन वी हैव दिस टीचिंग में आ गया यहाँ पे टर्शरी के लिए। ड्राइविंग बसेस इट्स कमिंग इन टर्शरी। प्रोवाइडिंग लॉजिंग एंड फैसिलिटेट इन टर्शरी। ओके, सो इट्स कम टू नो दैट कि यहाँ पे प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है। लेट्स सी द ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एन इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री डिपेंड्स ऑन द इकोनॉमिक एक्टिविटी कैरिड आउट इन द कंट्री। यू हैव लर्न दैट देर आर थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन एन इकोनॉमी। आप सब जानते हैं कि तीन टाइप की क्या होती है, इकोनॉमी होती है, राइट। एंड देन उसी के साथ, सो इन एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन ब्राज़ील एंड इंडिया, इन फिगर 8.2 द पाई चार्ट शोज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच सेक्टर इन द रिस्पेक्टिव कंट्री GDP, दैट इज अवर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन एंगेज इन वेरियस एक्टिविटीज। रीड बोथ द पाई चार्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये देखो दिख रहा है यहाँ पे, ये पाई डायग्राम बना के दे रखा है, पाई चार्ट एक तरीके का, जिसमें बताया है कि ब्राज़ील और इंडिया का, यहाँ पे ब्राज़ील है, यहाँ पे इंडिया है, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है और कितनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इस सेक्टर में लगी हुई है। तो देखो यहाँ पे दिया है, ब्लू के लिए प्राइमरी है, ऑरेंज के लिए सेकेंडरी है एंड टर्शरी के लिए ग्रे है। तो इंडिया में दोनों जगह पे GDP में जो आ रहा है वो ग्रे, दैट इज़ अवर सेकेंडरी अपने टर्शरी के लिए है। और यहाँ पे जो आबादी जो काम करती है इंडिया के अंदर वो आती है प्राइमरी में 48%। सो इसके बाद कुछ क्वेश्चंस देखो यहाँ पे दिए हैं, विच कंट्री हैज़ अ हायर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एंगेज इन प्राइमरी एक्टिविटीज़। यस, तो ये सब जो पाई चार्ट में दिया हुआ है इसके क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ से देने, जो कि बहुत ही आसान है। इन फिगर 8.1 वी सॉ दैट इंडिया हैज़ अ हायर नेशनल इनकम देन ब्राज़ील। नेशनल इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम होती है कंट्री की इनकम, राइट। कंट्री की इनकम सबसे ज़्यादा किसकी है, यहाँ पे इंडिया की है, क्योंकि इंडिया में आबादी भी ज़्यादा है। ब्राज़ील की आबादी 19 करोड़ है, इनकी यहाँ पे क्या, अपनी इंडिया में बहुत ज़्यादा है, 130 करोड़ के ऊपर है। ब्राज़ील इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड जायंट्स ऑफ माइनिंग, एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग रैपिडली ग्रोइंग सर्विस सेक्टर। ऑन द अदर हैंड, इंडिया इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, तो सर्विस सेक्टर इज़ ऑल्सो इंक्रीज इन इंडिया। यस, अभी क्या हो रहा है, धीरे धीरे यहाँ पे इंडिया में सर्विस सेक्टर इंक्रीज़ हो रहा है। लाइक द इंडियन इकोनॉमी, द ब्राज़ीलियन इकोनॉमी इज़ ऑल्सो अ मिक्सड इकोनॉमी। बोथ द इंडियन एंड द ब्राज़ीलियन इकोनॉमिक्स आर डेवलपिंग इकोनॉमीज। देयर पर कैपिटा इनकम आर वेरी लेस एज कम्पेयर टू द डेवलप कंट्री लाइक USA। यस, हाँ, ये है कि ब्राज़ील और इंडिया की जो इनकम है वो USA के कंपेयर में बहुत कम है, क्योंकि USA काफ़ी आगे जा चुका है हमसे। देन इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट दो इंडिया हैज़ अ हायर नेशनल इनकम एज़ कम्पेयर टू ब्राज़ील, पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया इज़ लोअर देन ब्राज़ील। येस, भले ही हमारी नेशनल इनकम ज़्यादा है पर हमारी पर कैपिटा इनकम उससे कम है।
कैन यू थिंक ऑफ अ रीज़न फॉर द सेम, क्या रीज़न हो सकता है? उसके बाद यहाँ पे क्या बताया है? ये देखिए, 1960 में ब्राज़ील की जो पर कैपिटा इनकम 240 थी, 80 में 2010 हुई, एंड देन 2000 में 3060 हुई, और 2016 में 8840 हुई। वहीं जब यूएसए को देखिए, 56,280 बता रहे हैं, और इंडिया जो है अब जाके 1680, मतलब काफ़ी कम है, राइट? इट्स यहीं से पता चल जाता है कि इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है काफ़ी कम बताती है इन दोनों कंट्रियों के सामने। द यूनाइटेड स्टेट्स इज़ अ डेवलप कंट्री, द पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री इज़ अ वेल एजुकेटेड, एंड द कंट्री हैज़ अ स्ट्रेंथ ऑफ मैनी पेट। सो इंडिया एंड द ब्राज़ील आर अ डेवलपिंग कंट्री, दीज कंट्रीज आर प्रोग्रेसिंग इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, एजुकेशन एंड इंडस्ट्री। जैसे कि हम सब जानते हैं, इंडिया और ब्राज़ील मिलके आज की तारीख में ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट काफ़ी आगे बढ़ा रही है, एजुकेशन के मामले में दोनों बेस्ट हैं अपने आप में, और इंडस्ट्रीज़ भी काफ़ी कुछ है जो दोनों कंट्रियाँ आपस में बना रही हैं। द नेशनल पर कैपिटा इनकम ऑफ कंट्री इज़ लो, इंडिया पर कैपिटा इनकम सीम्स टू बी इवन लोअर एज इंडिया साइज इज़ वेरी लार्ज। इंडिया का साइज़ काफ़ी भरी लार्ज हो, आबादी काफ़ी हो, बट इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है जो कि ब्राज़ील से बहुत ही कम है। डेट देखते, उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर्स का कंसेप्ट दिया हुआ है यहाँ पे, आपको दिख रहा है यहाँ पे 5 क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। ये क्वेश्चन आपको करने, यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ क्रॉप पूछा है, क्रॉप्स एरिया ऑफ प्रोडक्शन, कौन से टाइप के क्रॉप्स यहाँ पे होते हैं और कौन से एरिया का प्रोडक्शन है, ये आपको देखना है। देन नेक्स्ट पार्ट इज एग्रीकल्चर, इन ब्राज़ील एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग इन द हाईलैंड्स एंड द कोस्टल एरिया। हाईलैंड्स मतलब कहाँ, जहाँ पे जो पूरा पहाड़ी इलाका है वो, और कोस्टल इलाका जो आप समझ सकते हैं कोस्टल जो समुद्र के किनारे होता है, उनका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऑक्यूपेशन कौन सा है यहाँ पे, एग्रीकल्चर। फेवरेबल क्लाइमेट एंड टोपोग्राफी मेक्स इट वेरी पॉसिबल फॉर ग्रोइंग वेराइटी ऑफ क्रॉप्स, राइस एंड मेज आर द मेन सेंट्रल सीरियल क्रॉप्स, प्रोडक्शन ऑफ मेज इज़ लार्जली कॉन्सेंट्रेटेड इन द सेंट्रल पार्ट। यस, मेज जो है सबसे ज़्यादा होता है वहाँ पे। कमर्शियल क्रॉप्स लाइक कॉफ़ी, कोको, रबर, सोयाबीन एंड शुगर केन आर कल्टिवेटेड ऑन ए लार्ज स्केल, ये सबसे ज़्यादा वहाँ पे होता है जो कल्टिवेशन में है। ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कॉफ़ी इन दिस वन, द मेजर स्टेट्स ग्रोइंग कॉफ़ी एंड आर मिनास गेरास, जगह का नाम है वहाँ पे, सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या होती है कॉफ़ी, एंड साओ पोलो, जैसे साओ पोलो वर्ल्ड फेमस है सबसे ज़्यादा कॉफ़ी के लिए। देन बिसाइड दीज क्रॉप्स प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स लाइक बनानास, पाइनएप्पल, ऑरेंजेस एंड अदर सिट्रस फ्रूट्स इज ऑल्सो डन। कैटल, शिप एंड गोट्स आर ऑल्सो रेयर्ड इन द सवाना ग्रास लैंड इन द साउथ, कॉन्सिक्वेंटली मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस ऑन ए लार्ज स्केल। जैसे ये तो वहाँ पे हो गई क्योंकि नॉन वेजिटेरियन कंसेप्ट है, मीट और डेयरी प्रोडक्ट वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता ही है। फिर यहाँ पे माइनिंग को लेके बताया। यहाँ पे देखो दिखाया कोई क्वेश्चन आंसर से, वैसे तो माइनिंग के लिए यहाँ पे तो बड़ा मैप जो दिया हुआ है ये सब पता है कि कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा है ये। फिर माइनिंग का जो यहाँ पे दिया हुआ है, मैंगनीज, बॉक्साइट, आयरन ओर, कोल, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज एंड ओशन करंट्स, ये कहाँ कहाँ पे होता है। वैसे ब्राज़ील के नियर बाय साउथ अटलांटिक ओशन है और यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक ओशन है। देन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील इज़ रिच इन वेरियस टाइप्स ऑफ मिनरल्स लाइक आयरन ओर, मैंगनीज, निकल, कॉपर, बॉक्साइट, टंगस्टन, डायमंड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनएक्सेसिबिलिटी, लैक ऑफ नॉलेज ऑफ पोटेंशियल रिजर्व ऑफ रिसोर्सेज, डेंस फॉरेस्ट आर द फैक्टर विच हैव लेड टू लिमिटेशन इन माइनिंग इन द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। नेवर दिलेस, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग डिमांड इन द कंट्री, माइनिंग वर्क हैज़ डेवलप वेल इन द हाईलैंड रीजन। येस, माइनिंग की बहुत डिमांड हुई यहाँ पे, लिमिटेशंस बहुत इंटीरियर पार्ट्स में बहुत कम है, तो इसलिए हाईलैंड्स को खोद खोद कर निकाला जाता है, तो यहाँ पे इसलिए माइनिंग की आज की तारीख में बहुत ही ज़्यादा डिमांड है, राइट? सो और इसके बीच में जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये आपको खुद ही सॉल्व करने हैं, बहुत ही आसान है वैसे, नोट्स आपके सामने, आपको ढूंढेंगे तो आपको ये मिलेगा।
आगे दिया है फिशिंग के बारे में. लेट्स सी व्हाट अबाउट फिशिंग. फिशिंग क्या कहता है? यस, फिशिंग के लिए भी कुछ क्वेश्चन दिया है यहाँ पे. पहले सबसे पहले देख लेते हैं. यूनाइटेड स्टेट्स इज यूज ड्यूरिंग द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एट द इंटरनेशनल लेवल. डॉलर इज द सिंबल ऑफ दिस करेंसी. सब जानते हैं इनका डॉलर सिंबल है, ब्राजीलियन BRL. सो वन अमेरिकन डॉलर इज इक्वल्स टू वन रुपीज, दैट इज 3.1297, और वन US डॉलर दैट इज 64 रुपीज. ये चेंज होते रहता है. आगे क्या बताया देखते हैं. ब्राज़ील इज अ सी कोस्ट ऑफ अराउंड 7,400 किलोमीटर एंड एक्सेलेंट फिशिंग ग्राउंड ऑफ द साउथ अटलांटिक कोस्ट. यस, ब्राज़ील का जो कोस्टल इलाका जो है वो टोटल कितना है, 7,400 किलोमीटर का है. एंड एक्सेलेंट फिशिंग ग्राउंड ऑफ साउथ अटलांटिक कोस्ट. द मीटिंग ऑफ वार्म ब्राज़ील करंट एंड द कोल्ड फॉकलैंड करंट ऑफ द कोस्ट ऑफ साउथ ईस्ट ब्राज़ील मेक्स इट अ गुड फिशिंग ग्राउंड. वैसे फिशिंग के लिए काफ़ी अच्छा है ब्राज़ील. ट्रेडिशनली फिशिंग हैज़ बीन कैरिड ऑन बाय स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल फिशरमैन यूजिंग प्रिमिटिव टेक्निक्स. पुराने तरीके से, मतलब नए तरीके नहीं, पुराने जो टाइम पे किया जाता था वो, एंड इक्विपमेंट. बट नाउ लार्ज वेसल्स, बड़े बड़े वेसल्स, जहाज आर बीइंग यूज्ड. स्वॉर्ड फिश, फिश की कैटेगरी है. श्रिम्प, लॉबस्टर्स, सार्डिन्स आर मेनली कॉट. द फिश रिसोर्स ऑफ द अमेजोन रिवर आर नॉट एक्सप्लॉयटेड मच एंड फिशिंग ओनली टेक्स प्लेस ऑन ए स्मॉल स्केल. यस, अमेजोन रिवर से ही सबसे ज़्यादा यहाँ पे फिशिंग होती है, और वहाँ के फिशेस को ज़्यादा, मतलब लाइक वहाँ पे जो फिशिंग को एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया गया है, एकदम अच्छे लेवल पे रखा गया है. तो उन्होंने यहाँ पे इस बात को बहुत ध्यान रखा है कि इस चीज़ को कोई नुकसान ना पहुँचे पर्यावरण को किसी भी प्रकार से. एंड देन वी हैव दिस, फ्रेश वाटर फिशिंग इज कैरिड ऑन रिवर्स, कैनाल, इरीगेशन चैनल, टैंक्स, पॉन्ड्स, लेक्स. सिल्वर बेलीज क्रैब, दैट इज चोपड़ा, आर मेजर फ्रेश वाटर वेराइटीज. अबाउट 60% ऑफ द कंट्री टोटल फिश प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम द इनलैंड फिशरीज. मतलब वो लोग ज़्यादा दूर डीप ओशन में फिशिंग नहीं करते हैं, इनलैंड फिशिंग ही कर लेते हैं नज़दीक में, जो जिसकी वजह से उनको उनका पूरा यूसेज मिल जाता है. राइट, सो फिलहाल के लिए आप इतना देखिएगा, और इसके अंदर के जो भी क्वेश्चंस हैं डेफिनेटली आप इसको एक बार खुद से ट्राई करके देखिएगा. ये आपके लिए काफ़ी आसान है, हो जाएगा. इसमें देखिए, सबसे पहले आपको ये टेबल पे ध्यान देना है. ये टेबल जो है ये आप करोगे टोटली बना के, फाइन. एंड देन उसके बाद जो क्वेश्चंस यहाँ पे आपको पूछे गए हैं ये आपको करने हैं. यहाँ पे कौन सी कंट्री में कितना है ये आपको पाई चार्ट देख के करना है. राइट, ये पाई चार्ट देख के आप इसको करोगे. एंड आफ्टर दैट ये जो यहाँ पे क्रॉप्स के लिए पूछा है ये आप करोगे. एंड राइट, इसके बाद इस टेबल का भी यूजेज आपको लगेगा, ये आप कर सकते हैं. फिशिंग के बाद से अगले सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ से एग्रीकल्चर इन इंडिया के बारे में, जो कि माइनिंग है, फिशिंग है, यहाँ पे सब है, और इन बड़ी बड़ी कंपनियों के बारे में भी हम देखेंगे. राइट, सो वील सी इन दैट द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन लिसन दिस लेक्चर वेरी केयरफुली. गुड बाय.